तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का एक नया दिन और एक नए सफर के साथ गाइस मैं आज अपने को ब्लॉग में। सो फाइनली गाइस, इस वक्त तो मैं बेलग्राम शरीफ के मैन चौराहे पे, जो कस्बे का चौराहा बोला जाता है, देख सकते हो मेरे बैक साइड में काफ़ी बढ़िया यहाँ का नज़ारा है। ठीक है, इस वक्त जो है सन्नाटा पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है आज जश्न ईद मिलादुन्नबी, क्योंकि आज चांद रात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सजावट की गई यहाँ पे। और हमारे यहाँ जो एक मदरसा है, मदरसा दारुल उलूम दावतुस सुग्रा, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया काफ़ी बेहतरीन सजावट हुई है। इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी आपको व्यू दिखाऊंगा, इससे पहले मैं यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी उनके दरगाह शरीफ की मैं ज़ियारत कराऊँगा भाई। और उसके बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा। तो भाई देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सजावट है यहाँ की बेलग्राम शरीफ में। यह है बेलग्राम ज़िला हरदोई की मेन मस्जिद जो कादीपुरे में है इस वक्त, और काफ़ी बढ़िया सजावट है। इस मस्जिद का नाम है दीवान शरीफ, और काफ़ी इस साइड चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लुक है, दिखाना चाहता हूँ मैं आपको इस साइड का। देखिएगा इस, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। और हाँ, जो मेरे दोस्त लोग हैं मेरे बैक साइड में, एक है फरहान भाई, जिन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। फरहान भाई ये तो नॉर्मल आदमी है, और ये मेरे डॉक्टर साहब काफ़ी बढ़िया आदमी है, देख सकते हो। और यहाँ पे दरगाह शरीफ है, और यहाँ से मैं चलता हूँ हज़रत ख्वाजा इमादुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरगाह शरीफ के लिए, और मैं वहाँ का आपको ब्लॉग पूरा बना के दिखाऊंगा। यहाँ से गाइस देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मस्जिद सजी हुई है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। अभी तक इस मस्जिद की तामीर चल रही है, अब मैं आपको इस मस्जिद के अंदर का दिखाता हूँ। तो गाइस मैं अब चल रहा हूँ मस्जिद के अंदर, दिखा सकता हूँ मैं आपका क्या ही नज़ारा यहाँ का यार, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया सजावट है यहाँ की, देख सकते हो यार काफ़ी बढ़िया। ये गेट है मस्जिद का बैक साइड का, इससे पहले मैंने आपको फ्रंट साइड दिखाई थी। ये मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद के गुम्बद है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सजावट हुई है, देख सकते हो आप। और भाई ये भी बता देना, जहाँ जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो में कमेंट कर देना भाई, कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो, अपना नाम भी डाल देना भाई, क्या नाम है आप, कहाँ से देख रहे हो। और हाँ भाई, जिस तरीके से मुझे फेसबुक पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कीजिए भाई, अल्लाह पाक मुझे अपनी मेहनत में कामयाब अता फरमाए। और यहाँ पर जो है लाइट वगैरह लगी है, काफ़ी बढ़िया मामला है यहाँ के, देख सकते हो काफ़ी ज़ायरीन यहाँ से जा चुके हैं देखने के बाद, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। सो फाइनली गाइस आप जा रहे हैं, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद में हम आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराएंगे। वहाँ पे काफ़ी बढ़िया सजावट हुई है, और मेरी वीडियो में बने रहना लास्ट तक, और वीडियो को पूरा देखना। सरकार मना नहीं, इधर बनाओ, ला नहीं यानी ला नहीं है, हुजूर की बारगाह में जो मांगा जाए मेरे आका सब अता करते हैं। ये बताता कौन है, लेकिन जैसे आप अल्ट्रासाउंड किसने बनाया, साइंस ने, अल्ट्रासाउंड किसने बताया, साइंस ने। अच्छा यार, तभी आपको खुल जानी चाहिए, तभी आपको जरा खोल लेते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा सी तौहीन की उसने, मेरे आका की तौहीन की, तो ईमान तो वो है कि हम सब वोट पर निकल आए और उसको उसका एहतजाज करें। जी
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।